नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेडमी नोट 7 को हम कैसे बाई करें, जिसकी सेल आज ही है, यानी कि 6 मार्च 2019, और आज 12 बजे से इसकी सेल स्टार्ट है। तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रेडमी नोट 7 को कैसे बाई कर सकते हैं, वो भी एक ही सेल में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पीके टेकवाइज यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताऊँगा, डेस्कटॉप पर ये आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है, क्या चीज़ है जिसके ज़रिए हम रेडमी नोट 7 को बाई बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना ब्राउज़र जो है ओपन कर लिया है, और ब्राउज़र ओपन मेरा हो गया है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ डायरेक्टली आपको ऐप्स पर जाना है। ऐप्स पर जाने के बाद आपको जो मिलता है ये वेब स्टोर, वेब स्टोर आपको मिल जाएगा। और वेब स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है प्राइस ट्रैकर। मैं आपको बता दूं, मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो फिर भी मैं आपको यहाँ एक बार डाल के दिखा दे रहा हूँ। जी हाँ, ये आ गया है। बस कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर आप इसको क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपके लिए लिखे आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ऐड टू क्रोम, ऐसा ही कुछ यहाँ लिखे आएगा। मैंने पहले से ये ऐड कर रखा है अपना एक्सटेंशन, तो ये आप देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली एक्सटेंशन में ले चलता हूँ। ये गए हम एक्सटेंशन में और आप देख सकते हैं मेरा जो प्राइस ट्रैकर वाला एक्सटेंशन है वो ये रहा, जो कि मेरा ऑन हो रखा है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं इसके पेज पर। तो ज़्यादा बड़ा पेज नहीं होता इसका, बहुत छोटा सा पेज होता है। तो आपको क्या करना होता है इस वीडियो के दौरान, आज हम यही बताने वाले हैं। तो इसको ओपन कर लीजिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्राइस ट्रैकर पर एक ऐसा फ़ायदा है, मतलब जो है कि आप अगर फ्लिपकार्ट से ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एमआई की ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए जो है ख़रीद सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट से ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ये फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑटो बाई रेडमी नोट 7, 32 GB इंटरनल, 3 GB रैम वाला है ये, और ये दे रखे हैं 64 GB इंटरनल, 4 GB रैम। अब हम आगे बढ़ते अगर चले जाएंगे तो हमें ये फ्लैश सेल अभी तो फ्लिपकार्ट की दिखाई दे रही है, लेकिन ये है जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये जो सेल है यहाँ एमआई की दिखाई देगी आपको। लेकिन 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 मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आज की डेट में ये सारे प्रोडक्ट आपको इसके ज़रिए जो है सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है फ्लिपकार्ट से ही परचेज़ कर पाएंगे। तो करना कैसे है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप कोई सा भी स्मार्टफोन सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये डायरेक्टली आपको इसकी ऑफिशियल पेज पर ले जाएगा, जैसा कि ये रहा इसका ऑफिशियल पेज। इसने अभी वो स्मार्टफोन नहीं ले पाया, एक बार हम फिर से करते हैं, ये आपको जो है ऑफिशियल पेज पर ले जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप इसके डायरेक्टली ऑफिशियल पेज पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पहुँचने के बाद कुछ नहीं करना होता है। ये देखिए, ये हम इसके ऑफिशियल पेज पर आ गए। अब आपने क्या किया है, ये सिलेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 मार्च 2019 और 12 बजे से इसकी सेल स्टार्ट है। तो प्राइस ट्रैकर क्या करता है, प्राइस ट्रैकर का क्या काम होता है कि जो हमारा बाई नाउ का बटन होता है वो क्लिक्स, बहुत सारे क्लिक्स इकट्ठे करता है और एक समूह बना लेता है क्लिक्स का। फिर वो क्लिक्स एक साथ अप्लाई होते हैं वहाँ पर, जिसके ज़रिए जो स्मार्टफोन है या फिर कोई भी प्रोडक्ट हमारी कार्ट में जल्द से जल्द आ जाता है, जो हमें फ्लैश सेल के ज़रिए नहीं मिल पाता है, एक आसान सी क्लिक में वो हमें प्राइस ट्रैकर करके देता है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। बाकी मैं आपको और भी बताऊंगा ऐसी ही वीडियोस, अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आ गया हो इसके बारे में, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।